जी चार्ज। तो आदित्य, हम लोग अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस 2 नंबर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसकी हम लोग केवल रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्युबिलिटी या आयनिक नेचर कैसे डिसाइड करेंगे। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसके बेसिस पे होगा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस के बेसिस पे कैसे किया जाएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक बार आप जरा ये बता दो, इनऑर्गेनिक बेंजीन आपको पता चल गया था ना, इट इज एरोमेटिक। हाँ हाँ ठीक है। और साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाई एनायन इज एरोमेटिक विद 5 पाई बॉन्ड। साइक्लो ब्यूट डाईन डाई एनायन इज एरोमेटिक विद 3 पाई बॉन्ड। यस, एजुलीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, एजुलीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन विच फॉर्म। हाँ, डाइपोलर फॉर्म, डाइपोलर फॉर्म। इट इज वायलेशन ऑफ रूल नंबर 1 एंड 2 ना। सर हाँ ठीक है। और अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखो। और नहीं, एक चीज और दुष्ट, अगर पाई बॉन्ड ऐसे एटम के बीच में शेयर्ड है जिनमें ई एन डिफरेंस है, देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर मोर इलेक्ट्रॉनिक। ओके, एंटी एरोमेटिसिटी से मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है कि अनस्टेबल बनता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल बनता है। ओके, और नॉन, तो ऑर्डर जानते हो, एरो होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, सबसे कम एंटी एरोमेटिक होगा। ओके ओके ठीक है, डन। अब बेटा मैं आपसे ये ऐसा पूछ रहा हूँ, देखना जरा, ये 1 मिनट, ये डन। अब चलो आपको बताना है, ये मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, ठीक है ना, इसमें पहले तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है वो बता दूं आपको। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो आप फिजिक्स में जानते हो जस्ट उसका अपोजिट होता है केमिस्ट्री वाले में, है ना। जैसे वो सर वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, उसका प्लस माइनस अलग अलग लेते हो ना फिजिक्स और केम में, तो ऐसे ही। तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो फिर तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं है। जो ये जानता है कि फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो बता देगा, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये नहीं है। मेरा प्रश्न तो ये है, हम लोग को ऐसे देखना है कि ये देखो ऐसा दिया हुआ है, अब इस मॉलिक्यूल में कहीं तुम्हें ई एन डिफरेंस दिख रहा है क्या, सारे sp2 हैं कि नहीं। यस और अब मेरा प्रश्न है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। तो हे बालक, अब ऐसे केस में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे केस में जब ई एन डिफरेंस नहीं है, इफ देर इज नो ई एन डिफरेंस, पाई विल बी शिफ्टेड इन द वे विच विल प्रोड्यूस मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अगर सर ई एन डिफरेंस नहीं होगा तो पाई को इस तरह से शिफ्ट किया जाएगा कि बनने वाला स्ट्रक्चर स्टेबल बनना चाहिए। ओम नमः शिवाय, बता दिया मैंने पहले ही उसमें जो वीडियो लेक्चर भेजा था आपको, यस ना। यस और लेकिन इफ देयर इज ई एन डिफरेंस देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वट एवर इट इज फॉर्म, चाहे वो एरो बने एंटी बने, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर अगर मैं ऐसा करो, देखो अब तुम ऐसा पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बनाना, इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या करना, जो रिंग के बाहर है ना पाई, उसको तुम दो ही तरह से शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट या राइट। तो तुम मन में शिफ्ट करके देख सर लो कि तुम्हें क्या शिफ्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो एक मैंने ऐसा शिफ्ट किया, अब तुम बताओ ये मैं जो शिफ्ट कर रहा हूं ये अच्छा है कि बुरा है, बताओ, चलो जल्दी से बोलो। अच्छा और अगर मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो तुम देखो ये तो भाई बुरा हो जाएगा, फिर ये बन गया जी एंटी। अब मैंने बता दिया कि अगर ई एन डिफरेंस नहीं है तो फिर वी विल शिफ्ट द पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। अब देखो एरोमेटिक बन गया कि नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल का न्यूट्रल फॉर्म स्टेबल होता है, लेकिन अगर चार्ज सेपरेशन से उसमें न्यू एरोमेटिसिटी डेवलप हो जाए देन मॉलिक्यूल विल प्रीफर टू एग्जिस्ट इन चार्ज फॉर्म। तो देखो दोस्त, ये एरोमेटिक बन गया, अब क्या न्यूट्रल में आना चाहेगा कि चार्ज में अच्छा रहेगा, चार्ज तो बस अब देख लो आप। यानी क्वेश्चन में आपको ये गिवेन होगा, आपने ये कंसिडर कर लेना होगा, है कि नहीं, अब बोलो बोलो यस सर। ठीक है, डन है ना ये तो।
एक और बताऊंगा, एक और बताऊंगा। देखो अब मान लो ऐसा लिखता हूं, ये आदित्य देखो, ये डबल बॉन्ड CH2। हाँ आदित्य, अब ये देखो, हे बालक इसमें क्या किया जाए, पाई को किधर शिफ्ट किया जाए? यस, रिंग की तरफ। ठंडे, और ये रिंग की तरफ शिफ्ट हो गया, और रिंग की तरफ शिफ्ट होते ही ये हो गया ठंडे। ये देखो CH2, ये हो गया प्लस और ये माइनस। ये देखो, ये तो क्या बात, क्या बात, क्या बात, ये तीन बार क्यों बोला? तीन पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक, तीन पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक तो और अच्छा रहेगा ना, बोलो तो। अब फिर बोलो, अब इसमें डायपोल मोमेंट का रिडक्शन हमें पता चल गया। अब मैं एक बात और बोलूंगा, जो जिस फॉर्म में जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उस फॉर्म को ज्यादा मेंटेन करना चाहेगा। यस या नो? यस सर। तो अगर मैं कहता हूं कि जैसे मान लो, अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान सुना, ए कंपाउंड है ये और ये बी वाला कंपाउंड है, और मैं कह रहा हूं तुम्हें ये चार्ज वाले स्ट्रक्चर तो दिया नहीं रहेगा, तुम्हें तो क्या गिवन होगा, ये क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। तुम्हें कहेगा कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा आयनिक है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, कौन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। तीनों बात पूछ लिया ना, आयनिक कैरेक्टर पूछ लिया, डायपोल मोमेंट ज्यादा पूछ लिया, वाटर में सॉल्युबिलिटी पूछ लिया, तीनों लिंक्ड है कि नहीं, बोलो। यस सर। आप मुझे बताओ कौन आयनिक फॉर्म को ज्यादा प्रीफर करेगा, ए वाला ज्यादा आयनिक फॉर्म को प्रीफर करेगा कि बी वाला ज्यादा आयनिक फॉर्म को प्रीफर करेगा? तो ए वाला, क्योंकि ए जब चार्ज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है देन थ्री पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक, और ये जब कन्वर्ट हो रहा है तो कितने पाई बॉन्ड वाला, एक पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा? तो फिर अगर मैं बोलता हूं यहां पे कि डाइपोल मोमेंट या सॉल्युबल, ये जितना मैंने लिखा, अगर मैं लिखता हूं डाइपोल मोमेंट यहां पे बता, लिख दो ये म्यू, म्यू बोलो किसका ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी, बोलो आदित्य बोलो, समझ गए क्या? यानी मैं ऐसा लिखूं कि डाइपोल मोमेंट और आयनिक नेचर और सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डायरेक्ट ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर चार्ज्ड फॉर्म। ऐसा लिख दूं क्या? चलो चक दो फटे, लिखो लिखो, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑब्लिक आयनिक नेचर, डाइपोल मोमेंट ऑब्लिक आयनिक नेचर ऑब्लिक सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डाइपोल मोमेंट ऑब्लिक आयनिक नेचर ऑब्लिक सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, आदित्य लिखा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर चार्ज्ड फॉर्म, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर चार्ज्ड फॉर्म। ये डन है, बोलो। यस सर। अब ये बेटा फटाक से नोट करो, मैं क्वेश्चन पूछूं, फिर फटाक से नोट करो, फिर और भी क्वेश्चन बताऊं। जी सर।
ओके डन बेटा। हाँ डन, आगे बढ़े। ये देखिए अब ठंड डन। अब हे बालक, मान लो आपको इसमें आयनिक नेचर कंपेयर करना है, ठीक है? ये मैं तीन लिखूंगा, ठीक है? डबल बॉन्ड नहीं, पहले मैं ऐसे क्वेश्चन पूछू ना, पहले तो असाइन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा मतलब आयनिक नेचर वाला। अब इसमें आपको क्या करना है, असाइन डायरेक्शन ऑफ म्यू म्यू, और ये रहा आपके सामने दोस्त, हटो ये। इट्स वेरी सिंपल, जल्दी बोलो। दो मिनट है आपके पास, नहीं दो नहीं तीन मिनट, जल्दी से। हाँ सबका अलग अलग बताना होगा, तीनों तीनों को बताना है, और क्या करोगे? फिर मैं डाइपोल मोमेंट आयनिक नेचर वाला पूछूंगा, ये पहले बता दो। डन ओके okay. चलो बोलो, इसमें किधर से किधर? पांच से तीन की तीन से पांच, इधर कैसा चार्ज बनाऊं? माइनस। यहां पे कैसा चार्ज बनाऊं? प्लस। यस या नो? और इसको मैं हटा दूंगा ठंड। अब ये देखो तुम बालक, क्या यही बनाया है? यस सर। और इस तरह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, बोलो ठीक? इसमें बोलो ऊपर प्लस नीचे माइनस। हाँ अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस होगा और इधर माइनस। ओ क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात। अब ये प्लस से माइनस की तरफ, ये देख लो। और इसमें मैंने कल ही बताया था, इसमें यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्या ऐसा बनाया है? यस सर। और ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यस या नो? यस डन है ना? डन यस। अब इसमें एक क्वेश्चन और, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, दैट इज कंपेयर कंपेयर डाइपोल मोमेंट बोलूं या फिर आयनिक नेचर बोलूं या फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी
इन H2O, और ये मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं ठंडे। ये देखो ये मॉलिक्यूल एक लिखा मैंने, ये मॉलिक्यूल और एक लिखा मैंने ऐसा मॉलिक्यूल ट्रोपोलोन्ट, दूसरा मैं लिख रहा हूं ये बालक। हाँ बालक जल्दी से बताओ। हाँ आदित्य बोलो। यस सर, फर्स्ट में सर इंक्रीजिंग सारे कर लिए कि नहीं बोलो। लास्ट फॉलो कर। अच्छा ठीक 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 जल्दी से बताइए। चलिए यस सर डन। बेटा इसमें सोचना ही नहीं है, इफ देयर इज ए ईएन डिफरेंस देन पाई इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें अगर मैं शिफ्ट करूंगा, ओहो क्या बात है, क्या बात है, एरोमेटिक बन गया। ओहो इसमें तो अच्छी बात नहीं है भाई, ये तो दुष्ट क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया। तो बोलो yes. और इसमें तो क्या बात, क्या बात, क्या बात है, इसमें तो तीन तीन पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक बन गया। विच विल प्रीफर टू एग्जिस्ट इन चार्ज फॉर्म सबसे ज्यादा बोलो। सी फिर ए ए होगा ना। Yes, sir. लेकिन आपने गलत बोला था, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था। दुष्ट कहेंगे। हाँ मुक्का मारूंगा मैं। ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया, तो एंटी एरोमेटिक तब तो ये फिर वापस किसमें चलना चाहेगा, न्यूट्रल में आ जाना चाहेगा ना। Yes, sir. हाँ तो इसलिए इसका आंसर होगा चेन्नई, फिर होगा ए और सबसे कम होगा बी। बोलो बालक ठीक है। Yes, sir. हाँ आप बोलो तो नेक्स्ट बोलो तो ये सेकेंड वाला। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए, बिल्कुल सही जवाब। ये होगा मैं प्लस करूंगा, ये माइनस करूंगा, क्या बात है, एक पाई तीन पाई एरो एरो। ओहो ये अच्छी बात नहीं है, इसमें सबका साथ सबका विकास नहीं दिख रहा है मुझे, ये तो एक एंटी बन रहा है और एक एरो बन रहा है। नो 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 नो। और इसमें तो देखो क्या बात है, तीन तीन पाई बॉन्ड वाला एरो सबसे ज्यादा ये चार्ज फॉर्म को प्रीफर करेगा। तो ये हो गया चेन्नई, फिर हो जाएगा आपका ए, फिर हो जाएगा बॉम्बे। हे बालक बोलो ठीक है। यस सर। अब बोलो फोर्थ बोल दो बेटा।
ग्रेटर देन ए। बस चक दो फट्टे बस ये। तो बेटा इतना ही बताऊंगा और क्वेश्चंस के लिए अभी मैं 1 मिनट बात करता हूँ, तो अभी जाइएगा मत। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके थैंक यू, बाय बाय।